बाकी हमारे यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे अखाड़े में जितने भी हैं सपोर्टर सारे बीजेपी के हैं, यहाँ सब कट्टर बीजेपी वाले हैं। सही है, खुल के कहते हैं मैडम यहाँ कट्टर बीजेपी हैं पूरे अखाड़े में। कट्टर बीजेपी क्या होता है मैडम? नहीं जानते किसी और को। कट्टर क्या होता है मैडम? कट्टर यानी जो देशभक्त है वो बीजेपी के साथ है। जो देशभक्त है वो बीजेपी? ये कैसा सर्टिफिकेट है कि मतलब? अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का, ये कैसे तय होगा कि मान लीजिए किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वो गद्दार कैसे होगा? आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम स्वाति है। आपका नाम स्वाति है, आपके आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पे कोई सीए का विरोध कर रहा है? सीए का विरोध करने वाले आपके कोई परिवार में से कोई सीए का विरोध कर रहा है? सीए का विरोध करने वाले देशद्रोही है। जितने भी देशद्रोही हैं उनका नाम, किसी का नाम मुकेश कुमार, धीरज या ममता या अशोक है? आपको क्या नाम लगता है उनका? सबको आपको पता है क्या नाम है उनका? मुझे बताइए मैडम, आपको पता नहीं? ऐसे सवालों का जवाब खुलकर, जब आप इतना बोल रहे हैं ना तो आप बोलिए क्या नाम होते हैं मैडम उनका? नाम सबको पता है क्या होता है? क्या होता है उनका नाम? मोहम्मद शाहरुख सलमान, यही होता है। ओवैसी होता है। बताओ यार क्या नाम होता है उनका? नाम मोहम्मद शाहरुख, मतलब वो मुसलमान होता है। मैडम मैंने मुसलमान नहीं बोला। क्या नाम फिर आपने? आप क्या किसी भी पोस्टर पे लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, हर जगह यही लिखा होता है शाहरुख सलमान। कहीं भी आपने अशोक राम श्याम कहीं ने लिखा हुआ दिखा होगा। आप कह तो रहे हैं लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे हैं। मैडम मैंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमान के अपोज हैं, हम अपने कलाम साहब की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पर आप देशभक्ति पर यकीन मतलब शक तो कर रहे हैं ना उनकी? मैडम उनके लिए शक नहीं किया मैंने। कोई भी मोहम्मद, कोई भी शाहरुख, कोई भी सलमान, कोई भी आमिर, आपने कहा कोई भी शाहरुख या कोई मोहम्मद नहीं बोला मेरे कहने। जो विरोध करने वाले हैं आपको लग मोहम्मद क्यों है? वो वही है, मतलब वो मुसलमान ही है जो विरोध कर रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला वो मुसलमान ही है, मैंने बोला वो शाहरुख और सलमान ही है। आप देखिए एक बात होती है, ईमानदारी से कम जो दिल में है उसको ईमानदारी दीजिए। ना 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 मुसलमान ही है आप, राम और श्याम नहीं है? आप वही कह रहे हैं, अजीत नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम ना कह के सीधे सीधे आप नामों से तो बंटवारा कर दे रहे हैं ना। असल में होता हमारे यहाँ ये है कि नाम सुनकर बहुत आसानी से ऐसे नाम रखे जाते हैं कि लोगों का मजहब नाम सुनकर पता चल जाता है। हमारे जो देखा भाई ने जो देखा उन्होंने वो बोल दिया, जो देखा। आजकल यही होता है कि जो देखकर यकीन कर लेते हैं लोग, पीछे की स्टोरी पता नहीं होती किसी को, सारी बातें जो अगर कैलकुलेट करा जाए, भाई ने देखा भाई ने बता दिया, अब उनकी थॉट है उनके साथ है, बदल अपने। वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, इनका थॉट इनके साथ है, इनके मन में जो है इन्होंने बोल दी। लेकिन सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, आप जानते हो सबको बोलने का अधिकार है, सब कुछ है, और सारी बातें अलग है। कोई प्रोटेस्ट करे करे, उसका हक है, प्रोटेस्ट कर सकता है हर कोई। हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें पसंद आया, हमें कानून समझ आया, सिंपल। क्या है कानून मुझे समझाइए? कानून सीधा एनआरसी रजिस्ट्रेशन है जी, अगर आप भारतीय वो हो, सिटीजनशिप सिटीजन हो, तो आप बस एक डॉक्यूमेंट दिखा दो जो आपको साबित कर सके। सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, क्या हो चुका है, पहले एक्ट था अब बिल हो चुका है। क्या है उसमें? नॉर्मल है, आपको दिखाना है हमसे तो दिखाना है उसमें दिखाने क्या भाँ? मैं क्या जानती हूँ, छोड़िए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या जानती हैं? ये हमें जो पढ़ा है या सुना है, ठीक है, अभी हमने जो जी न्यूज़ वालों ने चलाया था मुहिम मिस कॉल वाला, हमने उसके अंदर भी किया था। हमारे कल हमारे यहाँ पे हमारे गृहमंत्री साहब भी अमित शाह जी आए थे कल यहाँ पे, कल यहाँ हमारे शिव मंदिर बाबरपुर के अंदर, और वो साफ साफ बोल के गए हैं बात ये कि भाई सीए क्या है। मैं आपसे पूछती हूँ सीए क्या है मैडम, बताइए सीएए आपने क्या समझाया? मैडम इसके अंदर समझाया गया है कि जो बाहर के, जैसे कि अपना पाकिस्तान से बांग्लादेशी हैं या कोई भी अदर कंट्री का है, वो हमारे देश में घुसपैठी आप आए घूमने आए, आपको अपने कंट्री में इंसिक्योरिटी, आप यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए। हमारे इंडियन भी कनाडा के लेते हैं, लेते पता है ना आपको, कनाडा की सिटीजनशिप लेते हैं इंडियन, हर कंट्री के लेते, जर्मनी की भी लेते हैं, पता है उनका उनका सवाल क्या है जो विरोध कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग जो विरोध जिस आधार पे विरोध कर रहे हैं उनका सवाल है, आपने कहा कि कनाडा में जाते हैं हमारे लोग और नागरिकता लेते हैं, कहीं भी जाकर नागरिकता लेते हैं, उनका कहना है कि यही चीज़ भारत को रखनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने ये किया है कि तीन देशों का नाम रखा है, तीन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पहले मैं बोलती हूँ, पहले मैं बोल रही हूँ, और वहाँ से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को
CAA के तहत नागरिकता देने का चलन है, मतलब नागरिकता देने का नियम किया गया है। हम लोग के वहां से उठा के ला रहे हैं, कह रहे हैं जब इंडियन बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहे हम, ऐसा नहीं कह रहे वहां पे कि वहां से क्यों उठा के लाएंगे, हम आज हमारे देश में हम आपको यहां पे नागरिकता देंगे, ऐसा कोई नहीं कह रहा। जो हम लोग परेशान है, जिनकी बहू बेटियों को उठा लिया जाता है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा जाता है, वो जो रोप पिट के जा रहे आ रहे हैं उनको दे रहे हैं, वहां से जबरदस्ती उठा के ना आ रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि लोगों का ये कई सारे डेटा हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कई सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, अहमदिया, शिया और भी बहुत सारे, हज़ारा बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं मुसलमानों के अंदर, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, जिनको रिलीजियस पर्सिक्यूशन का आपका देश कौन सा है? आपका देश कौन सा है? मेरा यही देश है जो आपका देश है। कौन सा? नाम बताइए। यही देश हो। यही कौन सा? आपको नहीं पता अपने देश का नाम? मैं तो हूँ इंडियन। तो मैं कौन हूँ? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछा। मैं तो, मैंने तो कहा कि आप किसी मुसलमान से पूछेगा वो कहेगा हिंदुस्तान है ये, वो कभी नहीं कहेगा भारत है ये, वो ये हमेशा कहेगा हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान का मतलब उनके लिए, उनके लफ्ज़ों में हिंदुस्तान वो जो हिंदुओं का देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश क्या है? सांप्रदायिक देश है, मानते हैं आप? आप किसी मुसलमान से पूछेगा वही कहेगा इसका नाम हिंदुस्तान है, वो कभी नहीं कहेगा इसका नाम भारत है। ठीक है मैडम, और एक बात बताऊँ, आप किसी अखाड़े जाएंगे दिल्ली में या कहीं भी जाओगे, हमारे अखाड़े में जितने लड़के पढ़ने वाले हैं सब जनरली सब कोई इंजीनियर है, कोई बीएड है, कोई बीपीएड है, ऑलमोस्ट सब लड़के एजुकेटेड हैं और सब पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कोई 9th में भी है, कोई 12th में भी है। मैं एक खुद इंजीनियर हूँ, ये भाई मेरा बीपीएड कर रहा है, ये बीए कर रहा है, ऑलमोस्ट सब लड़के यहाँ पे एजुकेटेड हैं। ठीक है, हम इस विभाग पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पहलवान जी हैं वो भी एजुकेटेड हैं, ऑलमोस्ट वो भी ग्रेजुएट हैं, हम इस विभाग पर नहीं करेंगे। हमारे आगे शाहदरा में एक अखाड़ा हो रहा है खलीफा बाबू राम का, वहाँ पर यही शाहरुख सलमान आते थे, वहाँ दो बार राइड हो चुकी है, वहाँ पे दो बार बंदूक चल चुकी है अखाड़े में, और वो आज के दिन में अखाड़ा 6 महीने साल में बंद रहता है और 6 महीने खुला होता है। हमारे अखाड़े में आज तक किसी लड़के ने बाहर निकल के किसी लड़की को छेड़ा? अखाड़े से एक सेकेंड नहीं सुनिए, मैं आप युवा हैं है ना, एक अखाड़े से का एक ही मिसाल देकर आप फिर से ये नाम दोहरा रहे हैं, मैं ताज्जुब में हूँ। क्या नाम बताया था आपने? शाहरुख सलमान? नहीं नहीं, आपने अपना क्या नाम बताया? पता है आप जिस तरीके से ना किसी एक नाम को पोर्ट्रे करके उसे एंटी सोशल बना रहे हैं ना, उसके पीछे की जो नीयत है वो एक धर्म को फ्रेम करने की है ना, तो बार बार आप शाहरुख सलमान क्यों गिना रहे हैं? तो फिर ऐसे ही कोई शाहरुख, ऐसे ही कोई सलमान और ऐसे ही कोई मोहम्मद आपके लिए, और ये हिंदू नाम वाले लोग हैं ना उनके लिए भी, बिना उनके संपर्क में आए, बिना उन्हें पर्सन टू पर्सन जाने, उनके बारे में अपनी एक राय बनाकर बैठा होगा। बिल्कुल बैठा हुआ है। नहीं, बैठा हो सकता है। मैंने बैठा हुआ है, मेरी शॉप है मेन सोडर रोड पे, आप जब आपको पता होगा सीए का जाफराबाद बंद हुआ था ना, जिन फायर हुआ था, मेरे दुकान के आगे से 5,000 लोग निकले थे, हमें पता है। हर शॉप तो कीपर, हर जो चलने वाला था वहाँ पे रोड पे, वो दहशत में था कि हमें कोई लूट पाट ना हो जाए, कुछ हो जाए, और वही हुआ आगे जाके, वही ड्रामा हुआ हमारे रोड से आगे निकल के, फायरिंग हुई और वो सब ड्रामा हुआ वहाँ पे। आप आगे चलिए, आप देखिए जाके वहाँ क्या हो रहा है। हर बंदा, 4 दुकानें तोड़ दी गई थी और सबने उन्हें तोड़ी थी, किसी ने उन्हें तोड़ी थी। वैसे एक बात बताऊँ, आपने जो नाम गिना है, आपने जो नाम गिनाया है ना, हमारे कैमरे के पीछे जिनके हाथ है ना, जो हमारी बातचीत इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनका नाम आपको बताना चाहूंगी। मैंने बताऊं उनका नाम? वो नहीं कर रहा कभी। अरे, मैं सुनिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम राशिद है, उनका नाम मोहम्मद भी हो सकता था, उनका नाम सलमान भी हो सकता था, उनका नाम शाहरुख, आमिर या जो भी आपने गिनाया ना वो हो सकता था, वो राशिद है। आप उनके सामने ये बात, इमरान भी है, आप उनके सामने ये बात कह सकते हैं। अब फिर से आप अपना ये जानने के बाद कि जिनके हाथ में कैमरा है, सुनिए, अब ये जानने के बाद कि उनके हाथ में, जिनके हाथ में ये कैमरा है, हम सब के बीच है ना, वो एक राशिद खड़े हैं। अब आप दोबारा वो अपना सवाल दोहराइए कि जब भी किसी मुसलमान से पूछा जाता है कि उसका देश कौन सा है, तो वो हिंदुस्तान कहता है, वो भारत नहीं कहता, क्योंकि वो इस देश को अपना नहीं मानता। मैडम हमें तो ऐसा लगता है, कई बार जब वो ऐसा कहते तो नहीं लगता सही? हाँ राशिद भाई, नहीं मानते? पता नहीं, मैं आपकी जगह होती, वैसे मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि अगर मैंने ये सब कुछ बोला होता, अगर मैंने ये सब कुछ बोला होता और मुझे ये पता होता कि मेरे बीच उस कम्युनिटी का एक आदमी है, मेरी तो नजरें नीचे झुक जाती। मैडम क्यों झुक जानी चाहिए हमारी नजरें? ये कट्टरता है। बिल्कुल, हम तो आप आते पहले का है, जहाँ सुधार की, जहाँ पहले का आपको कट्टरता पे गर्व है? मैडम गर्व नहीं है हमें गर्व नहीं है इस बात पे, कट्टरता पे गर्व है।
हमने पूछा कि आप मतलब कि किसका वोट बैंक है, हाँ मैंने कहा मैं सीधा सब कहा बीजेपी। मैंने वोट बैंक नहीं पूछा था मैडम, मतलब आपने पूछा कि मतलब बात कर रहे थे आप। मैं तो सरकार के कामकाज के बारे में पूछ रही थी। हाँ तो उसके रिगार्डिंग हम लगा दिए, हम उसकी तरफ हम तो। और आपको कट्टर होने पर गर्व है मैडम? गर्व आप मतलब सुधार की भी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि चलिए आपका कितने मुस्लिम दोस्त हैं आपके? मैडम मेरे कम से कम मोर देन 50 फ्रेंड्स होंगे, मेरी क्लास में थे 5-7 तो। इमरान है दोस्त है आपके? हाँ है मैडम दोस्त है। इमरान सैफी है? वो नहीं है देशभक्त मैडम? है बिल्कुल है, क्यों नहीं है वो? फिर आपने तो मैडम मैंने कम्युनिटी को मैडम देखिए मैंने खाली कम्युनिटी पूरे को नहीं बोला, मैंने आपको बात मैंने आप कंफ्यूज है मैं आपको बताती हूँ, सुनिए आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आप बार बार टारगेट करने के लिए मोहम्मद आमिर शाहरुख ये सब गिनाते हैं है ना, लेकिन फिर आप सीधे ये खुलकर भी नहीं मानना चाहते कि आप इशारा उनकी तरफ ही कर रहे हैं। अब तो आपने इशारे की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी, आपने इतनी बार रिपीट कर दिया कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सबको समझ आ गई है कि आपने क्या कहा है। आप राशिद है यहाँ पे अभी भी, मैं आपको याद दिला रही हूँ। बात नहीं तो वैसे मैं आपको सुना कर रहा हूँ, वैसे मैं मनोरंजन कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे पास कुछ कहने को नहीं रहा है अब है ना। ये युवा है, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ शायद उठना बैठना कम होता है। इसकी वजह ये है कि एक कम्युनिटी को हिंदुओं को मुस्लिमों के बारे में, मुस्लिमों को हिंदुओं के बारे में एक अलग रंग से पेंट करके उनके सामने रखा जाता है। ये हम सबका फेलियर है, ये हम सबका कलेक्टिव फेलियर है। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में एक किसी और कम्युनिटी के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए इस तरीके की तस्वीर बना कर रखेंगे तो पता नहीं आप भारत के साथ सही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो हिंदुस्तान नहीं कहा क्योंकि आप वो कर रहे थे, पर मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, पर आप भारत के साथ सही नहीं कर रहे हैं। अगर हम देशभक्त हैं असली में, अगर हम इस देश का भला चाहते हैं और हम इस देश की आबादी का भला चाहते हैं, तो हम में से किसी को भी किसी एक पूरी कम्युनिटी के बारे में कभी भी इस तरीके की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए।